लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि खाना खिलाने के बाद जब प्लेन में रोशनी कम कर दी जाती है तो एयर होस्टेस कहाँ आराम करने जाती हैं? इतनी लंबी फ्लाइट में पायलट कहाँ आराम करते हैं? नहीं ना, क्योंकि पायलट और एयर होस्टेस के आराम करने की जगह यात्रियों की पहुँच से दूर होती है, वहाँ पर उनका जाना मना होता है। आप भी अगर इनका दीदार करना चाहते हैं तो ये खबर जरूर पढ़िए। दिल्ली से न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट 15 घंटे की होती है। ऐसे में यात्री बैठे बैठे थक जाते हैं तो प्लेन चलाने वाले पायलट का क्या हाल होता होगा। कुछ वक्त तो काम को पायलट संभाल लेता है, लेकिन उस वक्त पायलट साहब कहाँ जाते हैं? यह है नए बोइंग 777 का पायलट केबिन। बिजनेस क्लास जैसी आरामदेह कुर्सियाँ, पीछे बिस्तर और साइड में वॉश बेसिन भी लगा है। पायलट यहां आराम से अपनी थकान उतार सकते हैं। यह है पुराने बोइंग 777 का विश्राम कक्ष। पायलट अक्सर इसे लेकर शिकायत करते थे कि इसमें आराम करना ताबूत में लेटने जैसा महसूस होता है। पायलट इसमें लेट तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हिल डुल नहीं सकते। जिस समय यात्री सो रहे होते हैं और एयर होस्टेस के पास कोई खास काम नहीं होता, वे इस तरह के चेंबर में आराम करने आ जाती हैं। जाहिर है, यात्रियों को यह कभी देखने को नहीं मिलता। बोइंग 777 के अंत में इस तरह के चेंबर बने होते हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना संकरा होता है कि एयर होस्टेस को अक्सर सिर झुकाकर चलना पड़ता है। यहाँ 6 से 10 बिस्तर लगे होते हैं। यह है बोइंग 787 के ड्रीम लाइनर का केबिन। यह यात्री कक्ष के ऊपर बना होता है और पुराने केबिनों के मुकाबले काफी ज्यादा आरामदेह है। दोनों बिस्तरों के बीच जो पर्दा लगा है वे सिर्फ रोशनी को ही नहीं आवाज को भी रोकता है। और यह है बोइंग 787 के पायलटों का आराम कक्ष। एयर होस्टेस और पायलट के कमरों में कोई खास फर्क नहीं है, बस दोनों प्लेन के अलग अलग कोनों में बने हैं।